मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोपोली। हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मोनोपोली में ही लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एकाधिकारी पर हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से एकाधिकारी का हम नियमन एवं नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, एकाधिकारी का नियंत्रण और नियमन हम कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि एकाधिकार का जो नियंत्रण है, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके सरकार के तीन मेथड्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सरकार एकाधिकार पर नियंत्रण करती है और एकाधिकार पर नियंत्रण करने से सरकार की दो नीतियाँ हैं, एक कीमत नियमन के माध्यम से और दूसरा कराधान के माध्यम से। इन दोनों ही माध्यम से सरकार एकाधिकारी को ऊंची कीमत लेने से बाजार में रोकती है, क्योंकि जब सरकार यह महसूस करती है कि एकाधिकारी बहुत अधिक कीमत वसूल करता है तो सरकार उस एकाधिकारी पर नियंत्रण करने के लिए कीमत नियमन और कराधान की नीति अपनाती है और उसके माध्यम से कीमतों को कंट्रोल करती है। पर अब दो चीजें आती हैं एकाधिकार के नियंत्रण करने के, सरकार की दो नीतियां मान लीजिए, जहां पर हम अपनी फिगर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर एक कीमत नियमन और नंबर दो कराधान। ठीक है, कीमत नियमन में सरकार एक कीमत तय कर देती है कि जिस कीमत पर एकाधिकारी अपनी उस वस्तु को बाजार में बेच सकता है और वो उससे अधिक कीमत नहीं ले सकता है। इसके लिए हम ये वाला फिगर अभी इसको समझेंगे। कराधान के माध्यम से सरकार ने दो तरीके निकाले हैं कि कराधान के अंतर्गत हम दो केस पढ़ते हैं। नंबर दो है, ये है केस वन कीमत नियमन का, ये है केस टू कराधान का। और कराधान में सरकार जब लमसम टैक्स लगाती है, एक मुश्त कर लगाती है, तब क्या होता है, और जब सरकार विशिष्ट कर या स्पेसिफिक टैक्स लगाती है तो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे केसों को आज हम फिगर के माध्यम से अपनी इस क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एकाधिकार के नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कीमत नियमन की नीति को, कि सरकार किस प्रकार से कीमत नियमन करके उसको लागू करती है। अब ये देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है ये डिमांड है और एआर कर्व है। ठीक है, और आपको मालूम है कि एकाधिकार में एआर कर्व ऊपर की ओर होता है और एमआर कर्व नीचे की ओर होता है। यहाँ पर ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट रेखा, मार्जिनल लॉस रेखा एमआर को नीचे से यहाँ पर कट करती है और इसको हम ऊपर मिला देते हैं। तो जब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तब एकाधिकारी ओएम मात्रा को ओए कीमत पर बेचता है। ठीक, बहुत साफ है, कुछ नहीं करना है। ये आपका एआर है, आपको अच्छी तरीके से पता है, और ये आपका एमआर कर्व है। एआर ऊपर होता है, एमआर नीचे होता है। एमआर को एमसी रेखा जहां नीचे से कट करती है वहां पर, ठीक है, वहां पर हमारी मात्रा का डिटरमिनेशन हो जाता है, मात्रा हमारी ओएम हो गई और प्राइस हमारी जो हम उसी रेखा को ऊपर एआर में टच करा देते हैं तो हमें कीमत पता चल जाती है। यहाँ पर ओएम मात्रा ओए कीमत पर एकाधिकारी बेच रहा है, ठीक है, और अपना लाभ कमा रहा है। अब सरकार क्या करती है कि सरकार जो अधिकारी होता है या राज्य आयोग होता है उसको ये तय कर देती है कि भाई आप एकाधिकारी पर नियंत्रण करिए। तब जो संबंधित अधिकारी होता है वो कीमत नियमन की पॉलिसी को अपनाता है। और इसमें आप देखिए कि ये आपका एमसी रेखा थी और यहाँ पर आपकी ये एसी रेखा थी। तो मान लीजिए पहले वाले केस में जो वो था मोनोपोली था वो कितना पूरा लाभ कमा रहा था, ए से लेकर मान लीजिए इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम एफ है, तो ए सी पी एफ कितना पूरा लाभ कमा रहा था। अब सरकार ने क्या किया, उस पर कंट्रोल करना चाहा। अब जब कंट्रोल करना चाहा तब सरकार ने क्या देखा, तब सरकार ने ये देखा कि अब यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा जब एकाधिकारी पर नियंत्रण किया जा रहा है तो एकाधिकारी अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो क्या करेगा, एकाधिकारी अपनी उत्पादन को अधिकतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, मान लीजिए राज्य जो आयोग है वो भी अधिकतम कीमत निश्चित कर देता है।
अब मान लीजिए जो राज्य आयोग है वो कितनी कीमत डिटरमाइन कर देता है, ओबी। राज्य आयोग जब ओबी कीमत निर्धारित कर देता, सरकार के द्वारा निश्चित कर दी जाती है, तब एकाधिकारी का नया मांग पत्र बी के, ये एकाधिकारी का नया मांग पत्र बी के और डी, ये नया मांग पत्र बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब आयोग के द्वारा एकाधिकारी की कीमत को निर्धारित कर दिया जाता है तो उसका कीमत पहले कितनी थी, पहले वो एक कीमत थी और ओ सी एफ पी मतलब सॉरी सी एफ पी ए एकाधिकारी का लाभ था। अब एकाधिकारी क्या कर रहा है, अब एकाधिकारी के द्वारा या सरकार के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जा रहा है और सरकार ने कीमत तय कर दी एकाधिकारी के लिए कि भाई वो भी कीमत से अधिक अपनी वस्तु को बाजार में नहीं बेच सकता है, तो ये कीमत डिटरमाइन होगा। इस कीमत पर जो नया मांग पत्र है वो बी के डी, ये मतलब क्या हुआ, ये नया मांग पत्र है। तो ये नया मांग पत्र आपका डीएआर हो गया। इसको हमारी मार्जिनल कॉस्ट रेखा किस बिंदु पर काट रही है, के बिंदु पर काट रही है, इसको हमने नीचे मिला दिया और यहाँ मिला दिया। तो प्राइस डिटरमाइन कितनी हो गई, ओपी डिटरमाइन प्राइस हो गई और क्वांटिटी हमारी पहले उत्पादन कितना था, ओएम उत्पादन था, अब कितना उत्पादन बढ़ गया, अब हमारा ओपी उत्पादन बढ़ गया। तो सरकार के द्वारा जब सीमा कीमत का निर्धारण कर दिया जाता है तो क्या हुआ, कीमतें कम हो गई, कीमतें क्या हो गई, कम हो गई और उत्पादन की मात्रा ज्यादा हो गई। यहां तक आपको समझ में आया। तो अब तीसरी चीज क्या है, यहां पर देखिए एवरेज कॉस्ट रेखा जो है ये इसी एस बिंदु पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। एस बिंदु का मतलब हुआ कि एकाधिकारी यदि अगर उत्पादन करना चाहे तो वह एस बिंदु तक उत्पादन कर सकता है, ओडब्ल्यू कर सकता है, लेकिन जब वो ओडब्ल्यू करेगा तो उसकी कीमतें और नीचे हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो एकाधिकारी को हानि होगी, अतः एकाधिकारी क्या करेगा, ओबी कीमत ही निर्धारित करके ओक्यू मात्रा का उत्पादन करेगा, ठीक है, ओक्यू मात्रा का ही उत्पादन करेगा और इसी में ही वो थोड़ा सा लाभ कमा रहा होगा। दूसरी एक चीज इसमें ये कहती है कि इसमें जो भार है टैक्स उसका है, तो उसमें एकाधिकारी के द्वारा जो अब इसमें तीन चीजें निकल गई है। पहला केस क्या हुआ, वो एक कीमत पर एकाधिकारी अपना सबसे अधिक लाभ कमाता है, वो ये लाभ कमाता है। दूसरी चीज ये डिटरमाइन होती आई कि जब राज्य आयोग के द्वारा या संबंधित अधिकारियों के द्वारा कीमतों को निश्चित कर दिया जाता है तो नया मांग वक्र बी के डी बन जाता है। ये नया मांग वक्र पर एमसी रेखा के बिंदु पर काटती है जहां पर उत्पादन ओक्यू बढ़ जाता है और सीमा कीमत ओक्यू ओ भी निर्धारित हो जाती है। इस अवस्था में एकाधिकारी फर्म बहुत अधिक लाभ नहीं कमाती है, जब बहुत अधिक लाभ नहीं कमाती, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत? यदि अब इसमें एक चीज और होता है, जब वो वहां पर कर रहा है, किस बिंदु पर, के बिंदु पर, जब वो के बिंदु पर है, ठीक है, और उस जगह वो सामान्य से अधिक लाभ के जी ओ क्यू कमाता है, के जी ओ क्यू ये उसका लाभ होता है। लेकिन यदि राज्य आयोग एसी के बराबर कीमत निर्धारित करते हैं, अब इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आया। अब तीसरा केस क्या निकल गया है, तीसरा केस ये निकल के आया कि यदि राज्य आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट कमीशन के द्वारा कीमतों का निर्धारण क्या कर दिया जाए, एसी के बराबर कर दिया जाए। एसी मतलब आपको पता है एसी कहां पर कट कर रहा है, ये एवरेज कॉस्ट है, यहां पर कट कर रहा है। तो हमने जब इसको यहां से नीचे मिला दिया तो हमारा उत्पादन तो बढ़ गया, पहले हमारा ओएम उत्पादन था, अब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया ओएम से ओक्यू, और इसके बाद जब हमने एवरेज कॉस्ट के बराबर कर दिया और हम उसको नीचे मिलाते हैं तो एकाधिकारी यही पर आपकी कॉस्ट डिटरमाइन हो गई और ये देखिए ऊपर मिला रहे हैं यही पर आपकी प्राइस डिटरमाइन हो गई। मतलब इस एस बिंदु पर क्या हुआ, इस एस बिंदु पर कीमत और लागतें दोनों बराबर हैं और जब कीमत और लागतें दोनों बराबर होंगी तो एकाधिकारी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा होगा, इसलिए एकाधिकारी एस बिंदु पर आना नहीं चाहेगा, पी बिंदु से मिल नहीं रहा है, एस पर वो आना नहीं चाहता है, तो वो क्या करेगा, सरकार के द्वारा जो ओबी कीमत निश्चित कर दी गई है उस ओबी कीमत पर ही ओक्यू उत्पादन कर अपने लाभ को बढ़ाएगा और अपना लाभ उतना ही कमाता रहेगा।
तो एकाधिकारी का नियंत्रण जब सरकार के द्वारा वस्तु की कीमत सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो एकाधिकारी किस बिंदु पर रहना पसंद करेगा। तीन पॉइंट है, पी के पी पर एकाधिकारी अकेले था, अधिक लाभ कमा रहा था। के पर सरकार ने कीमत तय कर दी, यहाँ पर ओ की कीमत पर उसका उत्पादन ओ एम से बढ़कर ओ क्यू हो गया। और तीसरा एस बिंदु पर, एस बिंदु पर ए सी एस पर कट कर रही है, यही पर आपकी प्राइस डिटरमाइन हो रही है क्योंकि ए आर भी यही टच कर रहा है, ए सी भी यही टच कर रही है। इस कंडीशन पर एकाधिकारी फर्म को ना तो लाभ मिलेगा और ना ही हानि मिलेगी, अतः वह पी के एस पर एस बिंदु पर रहना, के बिंदु पर रहने पर अधिक अपने लिए कंफर्ट फील करेगा और एस बिंदु पर वह उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा। तो एकाधिकारी का नियंत्रण कीमत नियमन के माध्यम से किस बिंदु पर हो जाएगा, ओ बी बिंदु पर हो जाएगा और उत्पादन भी ओ क्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पहला केस समझ में आ गया होगा कि एकाधिकारी का नियंत्रण दो विधियों से किया जाता है, कीमत नियमन के माध्यम से जब सरकार सीमा कीमत का निर्धारण कर देती है, एक प्राइस डिटरमाइन कर देती है कि उस प्राइस से आप ऊपर नहीं बेच सकते हैं, तो क्या तो फिर एकाधिकारी अपने उत्पादन को थोड़ा सा बढ़ाता है क्योंकि कीमतें तो बढ़ा नहीं सकता, तो वो उत्पादन को बढ़ाता है और जैसे ही वो उत्पादन को बढ़ाता है तो कीमतें कम हो जाती हैं और उससे अधिक वो नीचे जा नहीं सकता क्योंकि वहां पर उसका प्राइस और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए एकाधिकारी को एस पी और के में के बिंदु पर रहना अधिक फायदेमंद रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली बाय द टैक्सेशन, कर के माध्यम से। अब जब सरकार एकाधिकारी पर कंट्रोल करती है टैक्सेशन के माध्यम से तो उसके भी दो केस हैं। जब सरकार एक मुश्त कर लगाती है जिसे हम लोग कहते हैं लमसम टैक्स, जब सरकार एक मुश्त कर लगाती है तब एकाधिकारी का कैसे कंट्रोल करती है, और जब सरकार स्पेसिफिक टैक्स विशिष्ट कर लगाती है या हम कह सकते हैं विशिष्ट कर किसे कहते हैं आपको पता है एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स, तो स्पेसिफिक टैक्स के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं जब सरकार किसी वस्तु की इकाई के आधार पर कर का निर्धारण करती है तो इस प्रकार के कर को हम विशिष्ट कर कहते हैं। अब आइए केस टू में सरकार ने अपने टैक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत मोनोपोली पर कंट्रोल करने का तरीका, बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, लमसम टैक्स है, सरकार एक बार में ही पूरा टैक्स इंपोज कर रही है एकाधिकारी। अब आप देखिए ये डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल कर्व है, इसी को हम आर कहते हैं, ये आपका एमआर कर्व है, एमसी रेखा यहाँ पर काली वाली लाइन से एमसी बनी हुई है, यहाँ पर काट रही है, ऊपर मात्रा का निर्धारण हो गया और आप ये देखिए यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन हो गई और ये प्राइस हो गई, तो ओए प्राइस पर ओ ए आपकी प्राइस हो गई, ओ एम मात्रा बेचकर और ये ए टी आर डी ये पूरा लाभ कौन एकाधिकारी। कब, जब सरकार उस पर लमसम टैक्स नहीं लगाती है। उससे पहले की स्थिति क्या थी, उससे पहले की स्थिति ये थी एमआर को एमसी नीचे से काट रहा है, ठीक है, और जब हमने ऊपर मिला दिया तो प्राइस डिटरमाइन हो गई, पीएम प्राइस हो गई, पीएम प्राइस पर वो उसकी एवरेज कॉस्ट रेखा आर पर टच कर रही है तो आर टी ए और टी ये वो लाभ कमा रहा है। अब सरकार ने क्या किया, एकाधिकारी पर लमसम टैक्स लगा दिया। जब सरकार ने एकाधिकारी पर लमसम टैक्स लगा दिया तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उसका जो एआर है और एमआर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही एमसी में कोई परिवर्तन होगा, केवल एसी बदल जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो जैसे ही एसी बदलेगा तो एसी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, जो जो आपके ये देखिए जा रही है एसी बन रेखा, ठीक है। अब ये एसी बन रेखा को जब हमने ऊपर मिलाया तो ये आपकी कॉस्ट तय हो गई और ये आपकी ऊपर मिला दिया, ये आपकी प्राइस डिटरमाइन हो गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कॉस्ट आपकी आ गई, नीचे की पूरी वाली कॉस्ट हो गई, ऊपर की इतनी प्राइस हो गई। पहले एकाधिकारी को कितना फायदा था, पहले एकाधिकारी को इतना फायदा था, अब जब लेकिन लमसम टैक्स लग गया अब एकाधिकारी का फायदा कितना हो गया, अब एकाधिकारी का फायदा इतना रह गया क्योंकि जब टैक्स लग गया तो करों से लागतें बढ़ जाती हैं, लागतें बढ़ जाने से एकाधिकारी का लाभ कम हो गया, अब वो ए बी डी और सी इतना लाभ कमा रहा है, केवल इतना लाभ कमा रहा है,
तो सरकार ने क्या किया, लमसम टैक्स लगाकर एकाधिकारी के कुल फायदे को या कुल लाभ को लमसम टैक्स लगाकर इतना कंट्रोल कर दिया। सरकार ने क्या कर दिया, इतना टैक्स उस पर कंट्रोल कर दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एकाधिकारी के लाभ को कम कर दिया। यह जितना भी कर का भार है ये एकाधिकारी को स्वयं उठाना पड़ेगा, ठीक है। वो ना तो अब इससे ऊपर ना तो वो अपनी कीमतों को बढ़ा सकती है और ना ही अपने उत्पादन को बढ़ा सकती है। यहां पर देखिए दो चीजों का अंतर बहुत ध्यान से समझने लायक है कि लमसम टैक्स में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और स्पेसिफिक टैक्स में मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। लमसम टैक्स में एकाधिकारी मात्रा में परिवर्तन नहीं कर रहा है, कीमतों में अधिक से अधिक कीमत को ले नहीं सकता है और उसका लाभ जो ATR और P था वो उससे कम होके ACB और P हो गया है, उसका लाभ कम हो गया है। तो ये जो टैक्स का बर्डन है, जो इतना ये जो कॉस्ट बढ़ी, तो कॉस्ट बढ़ने किसके कारण बढ़ी, टैक्स के कारण बढ़ी। तो ये जो टैक्स का बर्डन है ये एकाधिकारी किसी भी विक्रेता पर नहीं शिफ्ट कर पाएगा, उसको वो स्वयं उठाना पड़ेगा। इस कर के हार को वो स्वयं बियर करना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। क्योंकि कर लगने से एकाधिकारी के सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम वक्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए वर्तमान कीमत में वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर करता है, अगर वह वर्तमान कीमत में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन करता है तो एकाधिकारी को हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो कराधान के माध्यम से जब सरकार के द्वारा लमसम टैक्स लगाया जाता है तो एकाधिकारी पर सरकार एक मुश्त कर लगाकर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किए बिना उसकी शक्ति को कम कर देती है। दूसरा केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री क्या कहता है कि जब सरकार विशिष्ट कर लगाती है। विशिष्ट कर से मतलब होता है जब सरकार इकाई के आधार पर जब सरकार इकाई के आधार पर कर लगाती है तब कैसे कंट्रोल होता है। तो आप देखिए ये डिमांड कर्व बना है, ये MR कर्व बना है, ये आपकी MC रेखा है और ये आपकी पहले वाली AC रेखा है। पहला संतुलन बिंदु E है, ऊपर मिला दिया, पहले प्राइस MP प्राइस थी और पहले आपका AC कट कर रहा था ये पर, तो GKBP ये पूरा एकाधिकारी का लाभ था तब जब सरकार ने स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाया था। अब सरकार प्रति इकाई के आधार पर कर लगा देती है। जब सरकार प्रति इकाई के आधार पर कर लगा देगी तो उसकी जो सीमांत लागतें हैं, क्योंकि इकाई के आधार पर कर लग रहा है, हर अगली यूनिट पर कर लग रहा है, तो उसका जो सीमांत आगम वक्र है वो बदल जाएगा और सीमांत आगम वक्र शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर, जो बन गया MC से शिफ्ट होकर MC1 हो गया। जैसे ही उसका MC चेंज होगा वैसे ही उसका एवरेज कॉस्ट AC भी चेंज हो जाएगा, और जैसे ही AC आपका चेंज हो गया तो अब आप देखिए ये वाला जो MC था पहले, अब MC1 है, अब MC1 MR वक्र को किस पर काट रहा है, E1। पहले संतुलन का बिंदु E था, अब संतुलन का बिंदु क्या हो गया, E1 हो गया। अब इसको हमने ऊपर से मिला दिया तो हमारी प्राइस अब क्या हो गई, बढ़ गई। पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस थी MP या OP प्राइस थी, अब प्राइस क्या हो गई, O से लेकर R तक हो गई। अब इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व देखिए, अब इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व ये जा रहा है, अब एवरेज कॉस्ट कर्व इसमें ये जा रहा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व ये जा रहा है। तो अब लागतें ये हो गई और फायदा कितना रह गया, फायदा केवल अब इतना रह गया। लेकिन इस वाले केस में अब समझ में आया, इसमें क्या हुआ, एकाधिकारी ने अपने उत्पादन की मात्रा को कम करके कीमतों को बढ़ा दिया। इसमें क्या था, इसमें उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कीमतें जो पहले निश्चित थी उससे कम हो गई थी, इसमें एक मुश्त कर में। लेकिन जब प्रति इकाई के आधार पर कर लगाया गया तो उसमें क्या हो गया, उत्पादन की मात्रा कम हो गई और कीमतें बढ़ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उत्पादन की मात्रा कम हो गई और कीमतें उतनी ही बढ़ गई, इस प्रकार का कर एकाधिकार वस्तु की कीमत और उत्पादन का नियंत्रण करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देता, क्योंकि कर की मात्रा जितनी अधिक होती चली जाएगी, सरकार कर जितना स्पेसिफिक टैक्स बढ़ाती चली जाएगी तो एकाधिकारी क्या करेगा, अपने उत्पादन की मात्रा को कम करता जाएगा और कीमतें उतनी ही बढ़ाता चला जाएगा,
उतनी ही बढ़ाता चला जाएगा और अंत में इस प्रकार एक जो हानि होगी एकाधिकारी को भी होगी और उसके साथ साथ जनता को भी हानि उठानी पड़ेगी, जनता को उसके लिए हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो और महंगी होती चली जाएगी। तो इसलिए उपरोक्त तीनों केसों में हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी विधि क्या है जिसमें फायदा होता है सरकार, जिसमें कंज्यूमर को फायदा होता है, वो है कीमत नियमन की विधि। क्योंकि कीमत नियमन में सरकार के द्वारा जब आयोग के द्वारा एक कीमत तय कर दी जाती है तो उसके उत्पादन बढ़ जाता है, वस्तुएं सस्ती हो जाती है, उपभोक्ता आसानी से उपभोग कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं यही सबसे अच्छा है क्योंकि लमसम टैक्स से स्पेसिफिक टैक्स से मच बेटर लमसम टैक्स है, क्योंकि लमसम टैक्स में प्राइस तो उतनी फ्लक्चुएट नहीं हो रही, क्वांटिटी तो सेम है और उसका बर्डन वो एक अधिकारी स्वयं उठा रहा है, उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर इनमें से पूछा जाए विच इज द बेटर, तो कीमत नियमन इज द बेटर। अगर इसमें पूछा जाए स्पेसिफिक टैक्स और लमसम टैक्स में कौन सी एक अधिकार को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, तो आप कह सकते हैं कि जो विशिष्ट कर है वो ज्यादा नुकसानदायक है बशर्ते कि एक मुश्त कर से। तो ये तीनों फिगर आज के क्लास के रहे कि एकाधिकारी पर नियंत्रण करने के लिए कीमत नियमन की विधि का फिगर ये बना हुआ है। कराधान के दो केस हैं, जब सरकार एक मुश्त कर लगाती है और जब सरकार विशिष्ट कर लगाती है, इन दोनों के माध्यम से हम एकाधिकार को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।